आयोटा क्लासेस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग जो चैप्टर कवर करने वाले हैं, ये दो चैप्टर्स आपके क्लास 9 और क्लास 10 दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 9 में जब आप पढ़ोगे सर्कल, तो सर्कल में जो जो भी मैं आज का जो वीडियो लेकर कवर करने वाला हूँ, इसमें सर्कल के बारे में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। हर एक पॉइंट, हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे हम लोग सर्कल के बारे में। तो क्लास 9 में अगर आपने सर्कल पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो क्लास 9 का भी इंट्रोडक्शन वीडियो यही है, और क्लास 10 वालों ये आपका भी सर्कल का इंट्रोडक्शन वीडियो यही है। और ये जो वीडियो है ये आपको जब आप एरिया रिलेटेड टू सर्कल करेंगे, जिसको भी हम लोग आगे कवर करने वाले हैं क्लास 10 में, और सर्कल जो हम लोग कवर करने वाले हैं सर्कल, इन दोनों चैप्टर पे काम आएगा, और क्लास 9 आपके लिए भी इंट्रोडक्शन का पूरा काम आएगा। तो इस वीडियो को अच्छी तरीके से एंड तक देखना। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले के सारे चैप्टर्स, वो हर एक चैप्टर मैंने कवर कर रखा है। अगर आपको किसी चैप्टर में प्रॉब्लम है या किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर प्लेलिस्ट वाइज आपको हर एक चैप्टर बना हुआ है, उस चैप्टर के अंदर घुसना है, आपको हर एक क्वेश्चन का वीडियो मिल जाएगा। तो आइए क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं सर्कल को। तो सर्कल का सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं, डेफिनेशन से इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये सर्कल का डेफिनेशन क्या है? तो एक ऐसा क्लोज फिगर, ठीक है ना, जिसका एक इसका ऐसा क्लोज फिगर जिसका कि हर एक पॉइंट, सपोज अगर ये हमारा एक क्लोज फिगर है, ठीक है, अब क्लोज फिगर तो कुछ भी हो सकता है, जैसे वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, वो हमारा स्क्वायर भी हो सकता है, बट समझना इस बात को, एक ऐसा क्लोज फिगर जिसका किसी एक फिक्स पॉइंट से, ये फिक्स पॉइंट, किसी एक फिक्स पॉइंट से इस के जितने भी पॉइंट थे, ये जितने भी पॉइंट्स के अंदर होंगे, ये सारे पॉइंट्स इस फिक्स पॉइंट से एक कॉन्स्टेंट, जो आपका जो डिस्टेंस है ये कॉन्स्टेंट डिस्टेंस होगा, या फिर आप बोल सकते हो कि इक्वी डिस्टेंस होगा, इक्वल डिस्टेंस होगा हर एक पॉइंट पर, हर एक पॉइंट पर, चाहे वो ये पॉइंट हो, यहाँ अगर मैं पॉइंट ले रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पॉइंट ले रहा हूँ तो ये यहाँ से इक्वी डिस्टेंस होगा, हर एक पॉइंट पर इक्वी डिस्टेंस होगा। और ये चीज़ें, ये जो है ये स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ आपको ऑब्वे करेगा सर्कल पर ही, ना ही रेक्टेंगल पर, ना ही स्क्वायर पर। उसका अगर आप सेंटर पॉइंट ले लोगे तो हर एक पॉइंट से उसका इक्वल डिस्टेंस नहीं होगा, एक्सेप्ट सर्कल। तो यही सर्कल का जो है डेफिनेशन कहता है, क्या कहता है डेफिनेशन, कि अ क्लोज फिगर, अ क्लोज प्लेन फिगर इन विच ऑल द पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ए सेंटर और फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट से हर एक पॉइंट पर क्या हो डिस्टेंस, वो मेरा इक्वल हो, तो दिस इज कॉल्ड सर्कल। तो ये हो गया हमारा सर्कल का डेफिनेशन। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं रेडियस। तो रेडियस आप लोगों को मालूम ही होगा, है ना, बहुत पहले से पढ़ते हैं रेडियस के बारे में। तो रेडियस क्या है हमारा, तो एक सेंटर, सर्कल के सेंटर से और सर्कल तक जो पॉइंट है, हमारा सर्कल पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से सर्कल तक का, सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस विल बी कॉल्ड रेडियस एंड इट इज डिनोटेड बाय आर। इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर, कैपिटल आर, डजंट मैटर, वो हम लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें लेते हैं, स्मॉल आर भी ले सकते हैं, कैपिटल आर भी ले सकते हैं। देन इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है सर्कमफेरेंस के बारे में। तो व्हाट इज सर्कमफेरेंस, तो हम लोगों ने रेक्टेंगल में, स्क्वायर में देखा था पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या था, द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल और ऑफ अ स्क्वायर, तो यही था हमारा पेरीमीटर। इसको कहते थे, अरे स्क्वायर में याद करो ना, ये अगर हमारा स्क्वायर है तो इसमें पेरीमीटर क्या होता था, कि इस साइड का सम, अगर ये मान लो 5 है, ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, स्क्वायर तो सब में 5 ही होगा ना, तो ये भी 5 है हमारा, तो 5 + 5 + 5 + 5 यानी 5 × 20, तो 20 जो है हमारा 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर हमारा क्या कहलाएगा, पेरीमीटर। तो यही पेरीमीटर सर्कल के केस में, ये जो हमारा डिस्टेंस हुआ यहाँ से लेकर के, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और उसके घूमते 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 यहाँ से लेकर के यहाँ तक आके एंड कर दें, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कमफेरेंस। वहाँ पेरीमीटर था और यहाँ हम लोग सर्कमफेरेंस बोलेंगे। तो ये हो गया हमारा सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। देन जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कोर्ड। तो कोर्ड के बारे में जानते क्या होता है हमारा कोर्ड, कि सर्कल पर कोई दो पॉइंट, ध्यान रखना ये वाला पॉइंट, किसी दो पॉइंट को टच करेगा, अगर एक सर्कल पर किसी भी दो पॉइंट को टच कर रहा है, सिर्फ दो पॉइंट पर ही टच करेगा, इसके अलावा कहीं पॉइंट पर टच नहीं करेगा, तो एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल के किसी दो पॉइंट को टच करे, तो टच करने के बाद जो ये जो हमारा जो ये जो डिस्टेंस मिलेगा, दिस इज कॉल्ड कोर्ड। तो ये कहलाता है हमारा कोर्ड, ये कोर्ड हो गया हमारा, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, कोर्ड कहेंगे। तो ये कोर्ड हो गया हमारा। देन इसके बाद अब आगे चलते हैं डायमीटर के बारे में। तो समझना बात को, एक सर्कल पर अनलिमिटेड इन्फिनाइट कोर्ड हो सकते हैं, अनफिनाइट मतलब कि यहाँ भी देखो, ये भी कोर्ड है हमारा, ये भी कोर्ड है, ये भी कोर्ड है, किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो कोर्ड हमारा जो है मिलता चला जाएगा। देखो ये सारे कोर्ड है, सारे कोर्ड इन्फिनाइट, तो एक सर्कल पे कितने सारे कोर्ड खींच सकते हैं, इन्फिनाइट कोर्ड खींच सकते हैं। अच्छा, जो सबसे बड़ा कोर्ड होगा, सबसे बड़ा कोर्ड को क्या बोलते हैं हम लोग, डायमीटर बोलते हैं, तो वो सेंटर से पास होते हुए निकलता है। अगर ये हमारा सेंटर है तो ये यहाँ से पास होते हुए जाएगा, और ये कोर्ड जो होगा ये सबसे बड़ा कोर्ड होगा।
तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज कॉल्ड डायमीटर, जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है वो डायमीटर कहलाता है, एंड डायमीटर ऑलवेज पासिस थ्रू फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये सर्कल के सेंटर से पास करता है। तो ये जो थ्योरम है, ये जो स्टेटमेंट है, किसने दिया था, तो ये दिया था आपको सर थेल्स ने। सर थेल्स ने कहा था कि एक सर्कल के सेंटर, एक सर्कल में एक सेंटर होता है और सेंटर से हमारा लॉन्गेस्ट कॉर्ड पास होता है जिसको हम लोग डायमीटर कहते हैं, तो ये हमारा डायमीटर कहलाएगा, लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज कॉल्ड डायमीटर। चलिए अब आगे चलते हैं। अच्छा, एक सर्कल में आप इनफाइनाइट डायमीटर खींच सकते हो क्योंकि वो उसी सेंटर से पास होगा। देखो ये हमारा सर्कल और ये सेंटर है, यहाँ से आप इनफाइनाइट डायमीटर, अगर कोई पूछेगा कि कितना सारा डायमीटर खींच सकते हो, तो इनफाइनाइट डायमीटर खींच सकते हैं हम लोग, बट सारे डायमीटर एक ही पॉइंट से पास करेंगे, इसी एक पॉइंट से पास करेगा, है ना, मगर इनफिनाइट नंबर ऑफ डायमीटर्स वी कैन ड्रॉ ना इन अ सर्कल। तो ये था हमारे डायमीटर के बारे में। नेक्स्ट है हमारा सेकंड। सेकंड क्या होता है, समझो उस बात को। तो कोड क्या था कि एक लाइन सेगमेंट जब दो पॉइंट को आके ज्वाइन करता था सर्कल के, उसको हम लोग कोड कहते थे। बट सेकंड क्या होता है कि एक लाइन, लाइन सेगमेंट नहीं लाइन, अगर एक लाइन जो है वो पास कर जाए सर्कल से, तो ये जो पास कर गया ना, दिस लाइन, ये जो लाइन हमारा पास किया, तो इसी लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, सेकंड कहेंगे, जो कि सर्कल को किसी दो पॉइंट को पास करते हुए बाहर निकल जाएगा हमारा, तो इट इज कॉल्ड सेकंड, ये कहलाएगा सेकंड हमारा। देन अब बात करते हैं टेंजेंट के बारे में। तो देखो सेकंड और टेंजेंट में थोड़ा सा डिफरेंसेस है, क्या है, सेकंड जो है ना वो हमेशा सर्कल को दो पॉइंट में, जो लाइन है हमारा, ये लाइन क्या करेगा, सर्कल को दो पॉइंट को टच करते हुए निकलेगा, तो जब दो पॉइंट को टच करते हुए निकलेगा इट इज कॉल्ड सेकंड, और जब एक पॉइंट को टच करेगा, सिर्फ सिंगल पॉइंट को, अगर मान लो कि सर्कल है हमारा, इसके किसी एक पॉइंट को टच करते हुए निकलेगा, अगर एक लाइन सेगमेंट है ये हमारा, देखो ये एक लाइन सेगमेंट है और ये इसके एक पॉइंट को टच करते हुए निकला, ये इट इज कॉल्ड टेंजेंट, ये क्या कहलाएगा हमारा, ये टेंजेंट कहलाएगा। तो यही इसका ध्यान रखना कि टेंजेंट जो है सर्कल पर किसी एक पॉइंट पर टच करते हुए पास करेगा, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट, और सेकंड जो है आपका वो दो पॉइंट पर टच करते हुए निकलेगा, जब भी दो पॉइंट टच करेगा तो सेकंड हो जाएगा, और एक पॉइंट पर टच करते हुए निकलेगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, टेंजेंट। और एक और इसमें प्रॉपर्टी ये आता है कि जो टेंजेंट है, जहां पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है सर्कल से, टेंजेंट का जहां पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है सर्कल से, यहां से अगर हम सेंटर से इस पॉइंट को मिलाएंगे तो ये हमेशा मेरा 90 डिग्री बनता है टेंजेंट पर, उस टेंजेंट पर क्या बनेगा, ये हमारा 90 डिग्री बनेगा। तो ये फर्दर आपको जो है थ्योरम भी है, आप थ्योरम पढ़ोगे क्लास 9 में, जब आप 10 क्लास 10 में आप टेंजेंट के बारे में पढ़ेंगे, इसका थ्योरम है, तो आगे हम लोग देखेंगे, है भी आगे हम लोग पढ़ना भी। तो ये हो गया हमारा टेंजेंट के बारे में। फर्दर टेंजेंट भी, क्योंकि टेंजेंट मैं पढ़ा रहा हूं, तो टेंजेंट के बारे में बता रहा हूं, तो टेंजेंट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, पहले वो मैं बता दूं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करेंगे कि सर्कल के एरिया के बारे में बात करेंगे, कि सर्कल का एरिया, उसमें और भी चीज़ें आएंगी, जैसे कि सेगमेंट के बारे में बात करेंगे, आर्क के बारे में बात करेंगे, इसी चीज़ के बारे में बात करना है। तो पहले टेंजेंट के बारे में देख लेते हैं, टेंजेंट के कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो पहले जान लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग टेंजेंट के बारे में बताने वाला था, कि टेंजेंट के कुछ प्रॉपर्टीज था उसके बारे में मैं आपको बताने वाला था। देख लो, अगर ये सर्कल है हमारा, तो इस सर्कल पर, एक सर्कल पर आप अनलिमिटेड इनफिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, खींच सकते हो एक सर्कल पर। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर ये सर्कल है, तो मैं यहाँ पर एक टेंजेंट मैंने यहाँ खींचा, एक टेंजेंट मैंने यहाँ खींच दिया, एक यहाँ खींचा, तो इस तरह की से एक सर्कल पर मैं इनफिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकता हूँ, इनफिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स अपन ड्रॉ कर सकते हैं। बट अगर मैं बात करूंगा कि एक पॉइंट पर कितने सारे टेंजेंट खींच सकते हैं, तो किसी एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट खींचाएगा, एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट खींच सकते हो, इसके अलावा और टेंजेंट नहीं खींच सकते। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में उठाना है कि सर्कल के किसी एक पॉइंट पर आप एक ही टेंजेंट खींच सकते हो, बट एक सर्कल पर अगर पूछेगा कि एक सर्कल पर कितने सारे टेंजेंट खींच सकते हैं, तो एक सर्कल पर इनफिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट खींचा सकता है। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव्स में। तो एक सर्कल पर इनफिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट खींच सकते हो, मगर सर्कल के किसी एक पॉइंट पर, सपोज अगर ये सर्कल है, मैं बोलूंगा सिर्फ इस पॉइंट पर कितनी सारे टेंजेंट खींच सकते हैं, तो किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर एक ही टेंजेंट खींच सकते हो, मगर पूरे सर्कल पर इनफिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, खींच सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जो हम लोग समझने वाले हैं वो देखने वाले हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बारे में। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता क्या है, इसको समझ लो। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल यानी कि दो और दो से ज़्यादा सर्कल्स, दो या दो से ज़्यादा सर्कल्स जिनका सेंटर कॉमन हो, इनकी कॉमन सेंटर हो, इट इज़ कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कैसे, फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग यू, सी अगर एक सर्कल हमारा ये है, ओके, एंड ये दूसरा सर्कल है, ये दो सर्कल हो गया, दोनों सर्कल का सेंटर एक ही है, ये सेंटर एक ही है मेरा दोनों सर्कल का, तो इट इज़ कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहेंगे, कि दो और दो से ज़्यादा सर्कल्स का सेंटर, कॉमन सेंटर एक हो। या फिर फॉर एग्जांपल मैं एक बार और आपको समझा दूँ, जैसे कि एक सर्कल हमारा ये है, ये दूसरा सर्कल,
इस सर्कल का सेंटर यहाँ है, इस सर्कल का सेंटर यहाँ है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस सर्कल को उठा करके इस सर्कल के ऊपर रख रहा हूँ और ऐसा रख रहा हूँ कि इसका जो सेंटर है इसके सेंटर पर कॉन्साइड कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। जब ये सेंटर इस सेंटर पर ओवरलैप कर जाएगा तो आपको फिगर कुछ ऐसा दिखेगा, ये दिखा। तो यानी कि ये सर्कल और ये सर्कल, जो भी सर्कल को मैंने उठा के यहाँ रखा, तो इन दोनों का सेंटर क्या है, हमारा कॉमन सेंटर है। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो ये हमारा हो गया कॉन्सेंट्रिक सर्कल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि आर्क ऑफ द सर्कल। तो आर्क ऑफ द सर्कल क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। तो आर्क ऑफ द सर्कल मीन्स दैट सर्कल का एक पार्ट, एक टुकड़ा, सर्कल का एक टुकड़ा। यानी कि अगर ये हमारा सर्कल है, इसका एक टुकड़ा मैं निकाल दूं, एक पार्ट काट के निकाल दूं, ये यहां से लेकर के यहां तक एक पार्ट मैं काट लूं, अगर ये ए है ये बी है और इतना सा पार्ट मैं काट के निकाल रहा हूं, देखो ये निकाल दिया मैंने काट के, तो इसको हम लोग बोलेंगे आर्क ऑफ द सर्कल। तो ये टुकड़ा छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है, पर कंप्लीट सर्कल नहीं होगा, कोई एक टुकड़ा होगा, है ना। जैसे कि अगर यही सर्कल है हमारा और मैंने इतना सा पार्ट काट के निकाल दिया, तो ये जो पूरा पार्ट कहलाएगा हमारा, ये आर्क कहलाएगा, ठीक है। अब ये कौन सा आर्क कहलाएगा, ये बात की बात है, ये माइनर आर्क होगा, मेजर आर्क होगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब इसी हम लोग आर्क के बारे में बात करते हैं, तो अ पार्ट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड आर्क ऑफ द सर्कल, ओके। देन नेक्स्ट जो हमारा है पॉइंट, वो क्या है कि डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क। एक आर्क से जो डिग्री मेजर होता है, यानी कि जो एंगल फॉर्म होता है, उसको क्या बोलते हैं, वो देख लो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, इसका मैं एक टुकड़ा दे रहा हूं, एक आर्क, सपोज ये रहा एक आर्क ए एंड दिस इज बी, ये एक आर्क हो गया हमारा, ये वाला पोर्शन, ये हमारा एक आर्क है, ये पोर्शन, ठीक है। चलिए ये रहा सेंटर। अब इस आर्क के दोनों एंड से, देखिए एक एंड हमारा ए पर है, इसको मैं ज्वाइन कर दूं और एक एंड इसको मैं ज्वाइन कर दूं, तो ये जो पोर्शन कहलाएगा हमारा ये, तो यही कहलाएगा डिग्री, यही होगा हमारा एंगल। उस एंगल को जो हम लोग डिग्री से डिनोट करते हैं, तो इसको थीटा से हम डिनोट करते हैं, जनरली थीटा से हम लोग एंगल को जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये थीटा हो गया हमारा। तो यही इस आर्क से जो ये एंगल फॉर्म हो रहा है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क। एक आर्क के थ्रू जो हमारा डिग्री, यानी कि जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो। देन इसके बाद है हमारा क्या कि कॉन्ग्रुएंट आर्क्स। तो कॉन्ग्रुएंट आर्क कब होगा ये समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्ग्रुएंट आर्क के बारे में। हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल देखा था, कॉन्ग्रुएंट लाइन के बारे में पढ़ा है, और जब आपने ट्रायंगल चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 10 में, क्लास 7 में भी था ये हमारा, क्लास 7 में भी कॉन्ग्रुएंसी के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, जब एक फिगर दूसरे फिगर के ऊपर कंप्लीटली ओवरलैप कर जाता है, इट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट, यानी कि इसका शेप एंड साइज बिल्कुल इक्वल होता है। तो अब कोई दो आर्क को कॉन्ग्रुएंट कब कहेंगे, तो ये थोड़ा सा समझ लो कि अगर एक सर्कल हमारा ये है, एक सर्कल ये है, ये रहा हमारा दूसरा सर्कल, ये रहा दूसरा सर्कल, ओके, उसको माइनस कर लेता हूं, ये हमारा दूसरा सर्कल है, इसका ये सेंटर है, सपोज ओ है एंड दिस इज ओ डैश, ये ओ डैश है, और ये रहा हमारा एक आर्क ए बी, ये आर्क हो गया हमारा, यहां भी एक आर्क है सी एंड डी। तो ये जो आर्क सी डी है और ये आर्क ए बी, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा ये मैं बता दूं आपको, मगर उससे पहले आप ये जान लो कि आर्क को लिखते कैसे हैं। अगर मुझे लिखना हुआ आर्क ए बी, तो आर्क ए बी कैसे लिखेंगे, तो आर्क ए बी देखो आप या तो ऐसे सकते हो, ये रहा आर्क ए बी, आर्क ए बी ये रहा हमारा। और अच्छा एक बात बताओ कि अगर मैं बोलूं कि आर्क ए बी, तो आर्क ए बी आप बोलोगे सर कि मैं ऐसे क्यों लूंगा आर्क ए बी, मैं तो ये भी लिखता हूँ आर्क ए बी, ये भी तो मेरा आर्क होगा आर्क ए बी। बात सही है, बिल्कुल सही है आपका कहना। तो अगर आर्क ए बी बोलूंगा तो मैं कौन सा आर्क ए बी समझूं, ये छोटा वाला ये बड़ा वाला। तो इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइनर और मेजर ये दो टर्म का यूज करते हैं। तो इसके बारे में भी मैं बताऊंगा, अभी रुक जाओ मैं बताऊंगा। तो फिलहाल मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि आर्क ए बी अभी जो मैं ये छोटा वाला आर्क के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, छोटा सा आर्क जो है ये आर्क ए बी के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, माइनर और मेजर के बारे में मैं बताऊंगा अभी रुक जाओ। तो ये आर्क ए बी और ये आर्क सी डी दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होगा, कब कहलाएगा, तो ये मैं कॉन्ग्रुएंट लिख रहा हूं, आर्क ए बी इज कॉन्ग्रुएंट, दिस इज द साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी डी। ऐसे भी लिख सकते हैं, एक लिखने का तरीका यह भी है कि आर्क आर्क ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी डी, ठीक है। तो इस तरह से भी लिख सकते हो, दो दो तरीका है लिखने का,
तो ये चाहे आप ऐसे लिखो ये आर्क का साइन हो गया, तो ये हो गया आर्क ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी डी, या फिर आप आर्क मेंशन कर दो आर्क ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी डी। अब यहां देखो कि आर्क ए बी जो है हमारा वो आर्क सी डी की कॉन्ग्रुएंस कब होगा, इसके लिए दो चीजों का होना कंपलसरी है। अगर दो चीज हो गया तो हम लोग कहेंगे कि ये दोनों आर्क आपस में कॉन्ग्रुएंट है, अदरवाइज ये कॉन्ग्रुएंट हो ही नहीं सकता है। अभी दो चीज क्या है वो जान लो। तो ये दो चीजें हैं हमारे क्या कि पहली बात तो ये कि जो रेडियस है ना, ये रेडियस ये देखो देखना और समझना, ये जो रेडियस है हमारा इस सर्कल का रेडियस और इस सर्कल का रेडियस दोनों इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना कंपलसरी है, कंपलसरी है। तो पहला बात क्या ये होना चाहिए जो होना चाहिए, तो रेडियस रेडियस इसका रेडियस क्या है हमारा OA, तो OA इज इक्वल टू इसका रेडियस क्या है हमारा तो O डैश सी, तो रेडियस O डैश सी, रेडियस इक्वल होना कंपलसरी है, पहला बात ये। दूसरी बात कि ये जो एंगल है इन दोनों के बीच का, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होना चाहिए। सपोज अगर ये एंगल हमारा थीटा है एंड दिस इज फाई, एक एंगल थीटा है और एक एंगल फाई है और दोनों एंगल हमारा इक्वल है, थीटा फाई के बराबर है, तो यानी कि एंगल जो है हमारा थीटा, एंगल थीटा इज इक्वल टू एंगल फाई के अगर बराबर है, अगर बराबर हो गया तो हम लोग कहेंगे कि ये जो आर्क है हमारा आर्क ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी डी, ये दोनों आर्क आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ये बात एकदम बिल्कुल जहन में अब बैठा लो कि किसी भी दो आर्क को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए दो चीजों का होना निहायत ही जरूरी है। पहला ये कि रेडियस इक्वल होना चाहिए दोनों सर्कल का, दूसरा ये कि उसके एंगल्स इक्वल होना चाहिए। अच्छा चलो ये तो था हमारा जब दो सर्कल था तब, तो सर अगर दो सर्कल नहीं हुआ एक ही सर्कल है, यहाँ देखो जैसे कि यही एक ही सर्कल की मैं बात कर रहा हूँ, अब मैं इस सर्कल की बात नहीं कर रहा हूँ, चलो हटा दो इस सर्कल की मैं बात नहीं कर रहा, अब मैं इसी सर्कल की बात कर रहा हूँ, एक आर्क मेरा यहाँ है सी एंड अब ये आर्क रहा डी, ओके। तो अब मैं बोलूँगा कि सर कि क्या ये आर्क सी डी जो है वो आर्क ए बी के, ये जो आर्क सी डी है ये और आर्क, ये आर्क सी डी जो है ये आर्क ए बी के कॉन्ग्रुएंट होगा। इसके भी कॉन्ग्रुएंट होने के लिए दो क्राइटेरिया मैंने कहा था, दो क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, पहला रेडियस और दूसरा एंगल। तो रेडियस तो इक्वल होगा ही क्योंकि सर्कल एक ही है, और जब ये एक ही सर्कल है तो ये जितना अगर ये मेरा आर है तो ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, सब आर ही होगा ना, क्योंकि रेडियस तो हमारा इक्वल होगा, एक ही सर्कल है, तो रेडियस अब हमको यहाँ पर प्रूफ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही सर्कल का रेडियस है। तो सिर्फ मुझे अब यहाँ पर प्रूफ करना पड़ेगा कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, अगर मैं इन दोनों एंगल को इक्वल प्रूफ कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा, हम बोल देंगे कि आर्क सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क ए बी हमारा हो जाएगा। तो आई होप सो आपको ये बात समझ में आ गया होगा, कॉन्ग्रुएंट आर्क के बारे में क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं सेमी सर्कल, सेमी सर्कल क्या होता है, तो अगर एक सर्कल को दो इक्वल आर्क में, इक्वल आर्क में, ना ही छोटा ना ही बड़ा, पता चला कि एक आर्क छोटा एक आर्क बड़ा, तो वो कभी भी सेमी सर्कल नहीं होगा, दो इक्वल आर्क में डिवाइड कर दिया जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, देख लो अगर ये हमारा एक सर्कल है और एक सर्कल को दो इक्वल आर्क में ये डिवाइड कर दिया, दो इक्वल आर्क में, एक यहां से यहां तक और एक ये ए बी, और दो इक्वल आर्क में कौन डिवाइड करेगा, हमेशा डायमीटर ही डिवाइड करेगा हमेशा, तो ये ए बी डायमीटर होगा, इसका मतलब है। तो ये जो ए बी जो डायमीटर है ये क्या करेगा, इस आर्क एक सर्कल को दो इक्वल आर्क में डिवाइड कर देगा। जब ये दो इक्वल आर्क में डिवाइड हो जाएगा तो हम लोग कह देंगे आराम से कि ये जो हमारा आर्क ए बी है, आर्क ए बी ये हमारा सेमी सर्कल हो जाएगा। चलिए तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला ये टर्म्स। देन उसके बाद है हमारा माइनर एंड मेजर आर्क, इसी के बारे में मैं बोल रहा था कि मैं आपको थोड़ी देर से बताऊंगा। माइनर एंड मेजर आर्क ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल का माइनर आर्क क्या होता है और मेजर आर्क क्या होता है इसके बारे में जानो। तो ये हमारा वो सर्कल है, अब इसका माइनर आर्क और मेजर आर्क क्या होगा ये समझ लो। तो ये रहा हमारा, अगर ये मान लो कि ए है एंड दिस इज बी, तो ये वाला जो आर्क कहलाएगा, ये आर्क ये कहलाएगा माइनर आर्क, क्यों छोटा है ना, माइनर हो गया छोटे के लिए, तो ये कहलाएगा हमारा माइनर आर्क, और ये वाला जो आर्क कहलाएगा ये पूरा बड़ा, ये कहलाएगा मेजर आर्क, ठीक है। तो अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो रिप्रेजेंट करने का तरीका देख लो, तो दो तरीका है, दो तरीके से आपको जो अच्छा लगे आप वो कर लो, यानी तो आप ये इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो कि माइनर आर्क ए बी, तो ये हो गया हमारा, तो इसका मतलब समझ में आ जाएगा कि इसी आर्क के बारे में बात हो रही है। अगर मैं मेजर आर्क लिखूंगा तो यहां पे आपको मैंने मेंशन कर देना पड़ेगा कि मेजर आर्क ए बी, तो इसका मतलब होगा कि मेजर आर्क के बारे में बात हो रही है। तो ये आपको इतना लंबा सा लिखना पड़ेगा, और अगर आप चाहते हो कि इससे बचना तो इजी में आप क्या कर सकते हो कि एक पॉइंट यहाँ ले लो सी, एक पॉइंट मैंने ले लिया सी और एक पॉइंट मैंने ले लिया डी, यहाँ पर डी। तो अगर अब मैं लिखूं कि आर्क आर्क ए सी बी, तो कितना शॉर्ट में हो गया हमारा, यानी कि अभी माइनर आर्क के बारे में हो रहा है, ए सी बी यहीं आएंगे ना,
तो डेफिनेटली कि ये हमारा माइनर आर के बारे में ही बात हो रही है। अगर मैं बोलूंगा कि माइनर आर को रिप्रेजेंट करो तो आप डायरेक्टली दोगे सर कि आर्क ए सी बी, तो ये हमारा माइनर आर्क हो गया। ठीक है, अगर यही मेजर आर्क को रिप्रेजेंट करना पड़ा तो हम लोग बोलेंगे कि ए डी बी, तो आर्क ए डी बी जो है हमारा आर्क ए डी बी, अगर मैं ऐसे डाल देता हूँ तो ये हो जाएगा हमारा मेजर आर्क। तो ये सिंपल वे में आप सब कर सकते हो, अदरवाइज फिर आपको इतना लंबा लिखना पड़ेगा माइनर आर्क ए बी या फिर मेजर आर्क ए बी, ये चीज़ आपको मेंशन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो ये जो पॉइंट है ये इसीलिए दिया जाता है, आप देखना कि कहीं कहीं पे दिया रहेगा ये पॉइंट, तो ये पॉइंट इसीलिए दिया जाता है कि हम उसको ईजी वे में बता सके कि कौन सा माइनर है और कौन सा मेजर है, यानी कि हम किस डायरेक्शन में ले रहे हैं, कौन सा मुझे पार्ट लेना है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। आइए अब हम लोग बात करते हैं क्या, तो ये हमारा माइनर आर्क एंड मेजर आर्क तो हो गया, देन सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सेगमेंट क्या होता है, ये वर्ड अच्छा है, समझो इस बात को। तो क्लास टेंथ वाले आपको तो ये वर्ड पहले भी आया होगा क्लास नाइन में, और जो नाइन्थ वाले हैं आपके लिए पहली बार होगी, तो समझ लो कि सेगमेंट क्या होता है। सेगमेंट होता है क्या, जब एक आर्क को, एक आर्क को, ये जो आर्क है अभी हमारा, इस आर्क को एक कोड जब ज्वाइन करता है, दोनों एंड पॉइंट जो है आर्क का, अगर एक कोड ज्वाइन कर दिया, देखो ये कोड ज्वाइन किया, तो ये जो इससे जो ये हमारा जो लाइन बन रहा है ना हमारा, देखो जो ये सर्कल जो है बड़ा सा सर्कल, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक बड़े से पार्ट में, एक छोटा सा पार्ट में, तो ये हमारा कहलाएगा सेगमेंट, दिस इज कॉल्ड सेगमेंट। ये सेगमेंट कहलाएगा, ये जो पोर्शन है ये भी सेगमेंट कहलाएगा, ये पोर्शन भी हमारा सेगमेंट ही कहलाएगा, दोनों पोर्शन सेगमेंट कहलाएगा। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पोर्शन है ये भी सेगमेंट कहलाएगा और ये भी सेगमेंट कहलाएगा। अब ये जो सेगमेंट कहलाएगा, ये छोटा वाला जो है, इसको हम लोग कहेंगे माइनर सेगमेंट। क्या कहेंगे, माइनर सेगमेंट। दो बातें यहाँ पर आपको नजर आएंगी कि एक माइनर सेगमेंट, दूसरा आएगा तो मेजर सेगमेंट, तो इसको हम लोग बोलेंगे माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। तो ये कहलाएगा हमारा माइनर सेगमेंट, और ये जो पोर्शन है बड़ा वाला, ये कहलाएगा हमारा मेजर सेगमेंट। तो ये हो गया हमारा मेजर सेगमेंट। सेगमेंट में दो बात खाली आपको ध्यान में रखना है, और ये सेगमेंट का फॉर्म होगा जब आर्क के दो एंड पॉइंट को कोड ज्वाइन करता है, एक कोड, एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगा आर्क के दो एंड पॉइंट को, तो उसको बाद जो है सेगमेंट का फॉर्मेशन होता है। सेगमेंट दो तरह का होगा आपका, एक माइनर सेगमेंट होगा और एक मेजर सेगमेंट होगा। तो मेजर सेगमेंट ये जो बड़ा वाला कहलाएगा ये मेजर सेगमेंट कहलाएगा, और जो छोटा वाला जो कहलाएगा हमारा ये माइनर सेगमेंट कहलाएगा। आइए अब आगे चलते हैं, ये इन चीजों का यूज है अभी जब हम आगे जो ये चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे, में जो अभी क्वेश्चंस लगाएंगे तो माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए आएगा, तो ये सब चीजों पे अभी काम आएगा, इसलिए भी मैं बता रहा हूं, प्लीज वर्ड को समझ लो, जान लो। तो चलिए माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्या, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सेक्टर क्या होता है आगे जान लो, सेक्टर समझ लो। तो उसी आर्क को, जो आर्क है हमारा, उस आर्क को किसने ज्वाइन किया था, कोड ने। जब कोड ज्वाइन किया था तो सेगमेंट का फॉर्मेशन हुआ था, अब कोड ज्वाइन नहीं करेगा। अब देखना यही सर्कल है हमारा, इस सर्कल में से एक ये आर्क हो गया हमारा ए, एंड दिस इज बी, ये आर्क हो गया ए बी, दिस इज योर आर्क ए बी। अब इसको क्या कर रहा है, और ये सेंटर है हमारा, दिस इज सेंटर ओ। तो अगर इस दोनों एंड पॉइंट को कौन ज्वाइन करेगा, रेडियस, पिछली बार कोड ज्वाइन किया था ना, अभी कौन ज्वाइन करेगा, रेडियस। जब रेडियस ज्वाइन कर देगा दोनों के एंड पॉइंट को, तो ये जो पोर्शन हमारा बना है, ये छोटा सा है ना, ये जो पोर्शन बना है, वाटरमेलन खाते हो आप लोग, तरबूज, उसको जो काटते हैं अपन तो कुछ इसी शेप में निकलता है ना। तो ये आपका हो गया ये वाला पोर्शन, देखो, तो ये कहलाएगा हमारा क्या, माइनर सेक्टर कहलाएगा हमारा, ये माइनर सेक्टर हो जाएगा। और ये जो बड़ा वाला है, ये दिस पोर्शन विल कॉल्ड व्हाट, मेजर सेक्टर। तो बस ये ध्यान में रखना है कि सेक्टर का फॉर्मेशन कब होगा, जब उस आर्क के दोनों एंड पॉइंट को रेडियस आके ज्वाइन करेगा तो हमारा सेक्टर का फॉर्मेशन होता है। और इसी आर्क के दो एंड पॉइंट को अगर रेडियस ना ज्वाइन करके कोण ज्वाइन कर ले तो सेगमेंट का फॉर्मेशन होता है। तो यही दो चीजें थी, एक सेगमेंट और एक सेक्टर। तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया हुआ, तो इसको हम लोग बोलेंगे आपको माइनर सेक्टर, एंड इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। तो ये दो टर्म था इसमें, वो क्लियर हो गया। आइए तो मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर का क्लियर हो गया हमारा। अब हम लोग बात करते हैं क्या कि क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है, क्वाड्रेंट समझ लो, यानी कि सर्कल का एक चौथाई, वन फोर्थ, इज कॉल्ड व्हाट, क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल। अब यहां देखना और समझना कि अगर ये एक सर्कल है हमारा, सपोज दिस इज अ सर्कल, तो इसको अगर मैं चार इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूं, चार इक्वल पार्ट में, कैसे सर्कल पार्ट में, तो चार इक्वल पार्ट में कैसे होगा, तो दो डायमीटर, एक हॉरिजॉन्टल डायमीटर और एक वर्टिकल डायमीटर अगर आपस में डिवाइड करें, देखो ये रहा हमारा हॉरिजॉन्टल डायमीटर और ये रहा हमारा वर्टिकल डायमीटर, तो जब ये इसको ज्वाइन करेगा तो ये क्या होगा, इससे हमारा क्वाड्रेंट फॉर्म होगा, उस सर्कल को चार पार्ट में डिवाइड कर गया, तो ये क्वाड्रेंट हो गया हमारा। दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट,
एंड दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये चार क्वाड्रेंट हमारा हो गया। तो क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल समझ में आ गया कि एक ये जो क्वाड्रेंट, ये जो पार्ट कहलाएगा हमारा जो फर्स्ट है, ये कहलाएगा क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, पूरे सर्कल का एक क्वाड्रेंट हो गया हमारा, ठीक है। और यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री बनेगा, ये जहन में रखना कि ये 90 डिग्री बनेगा हमारा। चलिए अब नेक्स्ट जो हम लोग बात कर रहे हैं, क्वाड्रेंट तो हो गया हमारा, देन इसके बाद जो टर्म है हमारा कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल। तो जब दो, कोई दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब होगा, कोई दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब होगा, तो कोई भी दो सर्कल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए उसमें सिर्फ एक चीजें आपको ध्यान में रखना है, एक बात उसमें होनी चाहिए, अगर हो गया तो हम लोग बोलेंगे कि सर्कल कॉन्ग्रुएंट है। क्या वो चीजें होनी चाहिए, तो दोनों सर्कल का जो रेडियस है, ये जो रेडियस है, ये यहां से लेके यहां तक रेडियस, अगर ये ओ है तो ये जो रेडियस है, तो दो सर्कल का रेडियस इक्वल होना चाहिए, इसका भी रेडियस ये जो आर है, सपोज यहां पे आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है और यहां भी आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो हम लोग बोलेंगे कि दोनों सर्कल क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। फॉर एग्जांपल 10 रुपीज का दो क्वाइन, तो 10 रुपीज का जो दो क्वाइन है उन दोनों क्वाइन को बोलेंगे कि दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, मगर एक क्वाइन है 10 रुपीज का और एक क्वाइन है 5 रुपीज का, तो ये आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, ये सिमिलर होगा। सो सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट बोथ आर व्हाट, डिफरेंट थिंग्स, ओके ना। सो यू कांट से इफ एनीथिंग इज अ सिमिलर, सो यू कांट से दैट इज अ कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, नेवर, इसको आप कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते हो, ठीक है ना। तो सिमिलर इज समथिंग एल्स, कॉन्ग्रुएंट इज समथिंग एल्स। सिमिलर होता है कि एक जैसा देखने में होगा मगर वो बिल्कुल वैसा नहीं होगा, उसका शेप एंड साइज इक्वल नहीं होगा। कॉन्ग्रुएंट में क्या होगा कि शेप एंड साइज हर एक उसका लेंथ उसका क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे कि मैंने कहा कि 2 10 रुपीज क्वाइन, तो दे बोथ आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, बट अ क्वाइन इज 5 रुपीज क्वाइन एंड सेकंड वन इज व्हाट, 10 रुपीज क्वाइन। सो 5 रुपीज क्वाइन एंड 10 रुपीज क्वाइन बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर, नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। नाउ लिसन, द लास्ट वर्ड वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इज अबाउट द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो व्हाट इज द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, नाउ जस्ट सी द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, व्हाट इज द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का बोलते हैं, तो कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल क्या हो, रुको मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर दूं ताकि आपको समझा पाऊं, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, तो क्वाड्रिलेटरल हमें समझ में आ रहा है चार साइड, जिसमें चार साइड होता है उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो अब क्या होगा कि अगर एक सर्कल है, इस सर्कल में जो चार पॉइंट है हमारे, एक पॉइंट यहाँ है ए, दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, सपोज इट इज डी। तो अगर मैं इन चारों पॉइंट को ज्वाइन कर दूं, ए बी बी सी सी डी एंड ए डी, अगर मैं इन चारों पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूं, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल हमारा बन रहा है ए बी सी डी, जो क्वाड्रिलेटरल बना है, दिस क्वाड्रिलेटरल विल कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्यों बोलेंगे इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि इस क्वाड्रिलेटरल का चारों पॉइंट जो है वो सर्कल पर ही लाई कर रहे हैं। तो जब भी कोई भी क्वाड्रिलेटरल का चारों पॉइंट सर्कल पर लाई करेगा, सर्कल पर लाई करेगा, तो उसको कहेंगे हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और एक बात जहन में बैठा लो कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो अपोजिट एंगल्स के सम होते हैं, अपोजिट एंगल के जो सम होते हैं वो क्या होता है, 180 डिग्री, यानी कि सप्लीमेंट्री होता है। ये बात हम बिल्कुल बैठा लो, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी, इसके अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो ये था हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में। देन अब जो है हम लोग जो देखने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज और भी इसके हैं बहुत सारे, तो प्रॉपर्टीज में अभी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं इस वीडियो में। मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा सर्कल का, जिसमें सिर्फ सारे प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, 9th से लेकर 10th तक जितना भी प्रॉपर्टीज है सर्कल का, उस प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं एरिया। तो सर्कल का जितना भी एरिया है, चाहे वो पेरीमीटर हो, पेरीमीटर का पेरीमीटर को भी सर्कमफेरेंस बोलते हैं, तो चाहे वो मेरा पेरीमीटर हो, चाहे वो मेरा क्या हो, क्या उसको बोलते हैं, सर्कल का एरिया हो, एरिया ऑफ सेक्टर, सेगमेंट, ये सब का जो एरिया अभी जो हमारे चैप्टर में काम आने वाला है वो हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ये हम लोग उसको, तो डियर स्टूडेंट्स अब जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि सर्कल जो चैप्टर हमारा जो है, जो भी हम लोग करने वाले हैं सेक्टर एंड सेगमेंट का, जो पूरा क्वेश्चंस करने वाले हैं, हर एक क्वेश्चंस क्लास 10 के लिए, तो उसका जो फॉर्मूला उसमें जो यूज होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जान लो। ये जो है क्लास 9th आपके लिए ये जरूरी नहीं है, क्लास 10 वाले के लिए ये पोर्शन बहुत जरूरी है, ये पोर्शन इधर का जरूरी नहीं है। तो आप भी अगर हो सके तो देख लो, आपके भी काम का है, तो इस बार अभी नहीं तो नेक्स्ट ईयर तो पढ़ना ही पढ़ना है, तो उसे देख लो एटलीस्ट। तो आइए, तो हम लोग बात कर रहे हैं क्या कि सर्कल पर जितने भी फॉर्मूलेज हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया कि फॉर्मूला ऑन एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर एंड सेगमेंट। अभी हम लोगों ने देखा था कि सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर ऑफ सर्कल, सेगमेंट ऑफ सर्कल हम लोगों ने देख लिया। अब उसी का जो फॉर्मूला है उसको हम लोग जानने वाले हैं, उसको देखने वाले हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या है हमारा, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। हमें मालूम है कि सर्कमफेरेंस बोले तो पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, पेरीमीटर का फॉर्मूला हमारे मालूम है कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr, ये हम लोग पढ़ते हुए आए। अच्छा कि सर फॉर्मूला तो हम लोग पढ़ते हुए आए, ये फॉर्मूला आया कैसे है, ड्राइव कैसे हुआ है, तो ये सारा फॉर्मूला मैंने ड्राइव कर रखा है।
आप अगर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर खोजना डेरिवेशंस, खोजना मिल जाएगा, एक प्लेलिस्ट बनाया डेरिवेशन के नाम से, जहाँ पर हर एक का फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ है, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आपको वहाँ मिल जाएगा। कुछ कुछ का नहीं किया हुआ है, वो सब मैं बाद में करूँगा और लिंक में डालता चला जाऊँगा, तो आप चेक कर लेना, मिल जाएगा आपको। मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पर आप देख लेना, मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr, ये फॉर्मूला मैंने ड्राइव कर रखा है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला मैंने ड्राइव कर रखा है। अगर आपको देखना है, जानना है कि ये फॉर्मूला कैसे आया है, तो मैं लिंक डाल ही दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ देख लेना। तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, ये हो गया हमारा एरिया ऑफ सर्कल, यहाँ तो ठीक ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करें एरिया ऑफ रिंग, ये एरिया ऑफ रिंग क्या होता है, अब समझो रिंग छल्ला जो अंगूठी पहनते हैं ना हम लोग, रिंग, दैट रिंग, उसका एरिया निकालना होगा तो कैसे होगा। तो अगर उस रिंग को अगर आप गौर से देखोगे तो उस रिंग में दो सर्कल आपको नजर आएगा, एक बड़ा वाला सर्कल और एक छोटा वाला सर्कल। तो मुझे एरिया ऑफ रिंग निकालने का मतलब दिस एरिया वी हैव टू कैलकुलेट, ये एरिया हमें कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ रिंग का मतलब ये होता है। अच्छा, ये हो गया सेंटर। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वही कॉन्सेंट्रिक सर्कल, अभी जो मैंने बताया आपको बेसिक्स, ये वही है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब मुझे निकालना है ये वाला एरिया, इसको निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं पहले पूरा बड़ा वाला एरिया निकालूंगा। तो अगर मैं मान लेता हूं कि बड़ा वाला सर्कल का जो रेडियस है, ये जो रेडियस बड़ा वाला सर्कल का जो रेडियस है ये बड़ा आर है, और छोटा वाला सर्कल का जो रेडियस है ये वाला रेडियस ये छोटा आर है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले बड़ा वाला सर्कल का एरिया निकालेंगे। तो बड़ा वाला सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ये होता है ना, मालूम ही होगा, अभी तो हम लोगों ने देखा था कि एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर मेरा बड़ा वाला आर है, तो आर की जगह पे बड़ा वाला आर लिया, पाई आर स्क्वायर। अच्छा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, छोटा वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया सर्कल का, ये एरिया अगर ये एरिया मैं माइनस कर दूँ, क्योंकि हमें पूरा बड़ा सर्कल का एरिया मिल गया, उसमें अगर मैं ये वाला एरिया माइनस कर दूँ तो मुझे जो ये एरिया है ये एरिया मिल जाएगा। तो चलिए, तो माइनस कर रहा हूँ मैं छोटा वाला सर्कल का एरिया, छोटा वाला सर्कल का रेडियस क्या है, आर है, तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब कॉमन क्या ले सकते हैं, पाई कॉमन ले सकते हैं, तो पाई कॉमन ले लो, बचेगा हमारा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो यही तो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रिंग, मैंने लिख रखा है कि पाई कॉमन आ चुका है, बड़ा वाला आर का स्क्वायर माइनस छोटा वाला आर का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ रिंग। तो चलिए, ये हो गया डन। देन इसके बाद जो तीसरा है हमारा वो क्या है, चौथा क्या है हमारा, कि लेंथ ऑफ माइनर आर्क का लेंथ, ये ए सी बी क्या लिखा है मैंने, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो माइनर आर्क का लेंथ, चलिए इसको मैं इरेज कर रहा हूं, और माइनर आर्क का लेंथ आपको समझा देता हूं कि माइनर आर्क का लेंथ कैसे निकालेंगे। तो ये रहा हमारा सर्कल, दिस इज योर सर्कल, चलिए तो इसमें माइनर आर्क क्या होगा हमारा, तो दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो ये हो गया हमारा माइनर आर्क, मैंने बताया था कि दिस इज योर माइनर आर्क एंड दिस इज योर मेजर आर्क। तो मैंने ये भी बताया था कि इसको शॉर्ट में हमें लिखने के लिए यहाँ पर सी डाल देंगे और यहाँ पर डी डाल देंगे। तो अगर मुझे माइनर आर्क का लेंथ निकालना है तो माइनर आर्क ये हो गया कि ए सी बी, तो ए सी बी का लेंथ यानी कि आर्क लेंथ ए सी बी, और ये हो गया हमारा आर्क ए सी बी। तो ये आर्क ए सी बी का लेंथ मुझे निकालना है, तो लेंथ निकालने के लिए क्या होता है, तो लेंथ आपको सर्कमफेरेंस से ही निकलता है। तो सर्कमफेरेंस क्या होता है हमारा, सर्कमफेरेंस हम लोगों ने देखा सर्कमफेरेंस का सर्कल होता है 2πr, है ना। तो ये 2πr का ही यूज करके जो है हम लोग क्या करेंगे, इसका लेंथ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो सेंटर है हमारा ये, सेंटर से अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो ये हो गया, और ये एंगल को अपन थीटा बोलते हैं, मुझे मालूम था, है ना, किसको थीटा बोलते हैं। तो करना कुछ भी नहीं है, मुझे ये वाला लेंथ निकालना है, ये ए सी बी निकालना है। तो क्या करेंगे, तो पेरीमीटर का एरिया, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, तो पेरीमीटर सर्कल होता है 2πr, तो 2πr लिख दो, 2πr, ठीक है, 2πr लिख दिया पेरीमीटर ऑफ सर्कल। अब उसमें क्या करेंगे, ये जो थीटा है ना, ये एंगल, ये आर्क जितना एंगल कवर कर रहा है, ये आर्क के थ्रू कितना एंगल कवर हो रहा है, थीटा हो रहा है, तो बस थीटा बाय 360, क्योंकि पूरा सर्कल का जो सर्कल जो हमारा बनता है वो 360 डिग्री बनता है, तो बाय 360 कर दो और आपका जो है आर्क लेंथ निकल जाएगा। तो ये हो गया मेरा आर्क लेंथ, ये आर्क लेंथ ए बी निकालने का फॉर्मूला हो गया हमारा, कि पूरे सर्कल का एरिया, ये सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल यानी कि 2πr और थीटा बाय 360, बस इतना ध्यान रखना कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल में थीटा बाय 360 कर देंगे तो हमारा आर्क लेंथ निकल जाएगा। तो ये हो गया माइनर आर्क, तो माइनर आर्क तो ये हो गया। मेजर आर्क का अगर मुझे निकालना पड़े, मेजर आर्क लेंथ यानी कि ये लेंथ ए डी बी, ये मुझे निकालना पड़े, देखो तो ए डी बी अगर ये मुझे निकालना पड़े तो ये कैसे निकालेंगे। अब तुम खुद सोचो कि ये पार्ट हमें निकल गया है, ये पार्ट हमारा निकल चुका है, तो मैं अगर पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस निकाल करके ये वाला पार्ट माइनस कर दूं तो मुझे ये बड़ा वाला पार्ट नहीं निकल जाएगा। फिर से सोचो कि पूरा सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है वो मैं मान लेता हूं 10 है और ये वाला है 3, तो 10 में से पूरे में से 3 अगर हम माइनस कर देंगे तो ये हमारा रिमेनिंग हो जाएगा 7, तो बस वही काम करना है। तो क्या करेंगे, पूरे सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है वो होता है 2πr, तो लिख दिया 2πr, पूरा सर्कल हो गया। और इतना सर्कल जो है लेंथ निकालने का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने देखा ना, ये था ना
कि 2 पाई आर थीटा बाय 360, बस तो माइनस कर दो 2 पाई आर थीटा बाय 360, तो बस यही होगी हमारा मेजर सेगमेंट का लेंथ। वही एक बात यहाँ पे मैंने लिखा भी होगा, तो यहाँ पे लिख दिया कि लेंथ ऑफ मेजर आर्क ए बी डी ए या ए डी बी बोलो बातें की है, तो ए डी बी बोलो या बी डी ए बातें की, तो ये इसका जो लेंथ है मुझे ये निकालना है। तो ये तो मैंने यहाँ लिख दिया कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल यानी कि 2 पाई आर हो गया, माइनस छोटा वाला आर्क जो निकाला था मैंने, आर्क लेंथ यानी कि 2 पाई आर थीटा बाय 360, वही काम तो यहाँ भी किया है, यहाँ मैंने 2 पाई आर थीटा बाय 360। तो ये हो गया हमारा मेजर आर्क निकालने का फॉर्मूला, ये हो गया हमारा माइनर आर्क निकालने का फॉर्मूला, तो ये दोनों हो गया हमारा डन। आइए इसके बाद जो है तीसरा, इसके नेक्स्ट फॉर्मूला जो है वो हम लोग चलते हैं, इसको मैं इरेज कर दूँ, तो चलो मैं इसको पहले इरेज कर रहा हूँ, ये कर दिया। चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो आगे है हमारा ये हो गया हमारा माइनर हो गया मेजर हो गया, देन एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, सेक्टर सेक्टर मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो एरिया होगा दिस एरिया इज कॉल्ड द सेक्टर, ये हो गया हमारा सेक्टर, दिस इज माइनर सेक्टर एंड होल इज मेजर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर का मुझे एरिया निकालना है, तो क्या करेंगे कैसे निकालेंगे, तो जो एरिया आपका सर्कल का होता है, एरिया ऑफ सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो बस पाई आर स्क्वायर लिख दो पाई आर स्क्वायर, और क्योंकि ये जो थी ये जो आर्क के थ्रू जो हमारा एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है, जो भी एंगल बनेगा यहाँ पे वो एंगल डालना है, थीटा बन रहा है हमारा, तो बस थीटा बाय 360, कितना आसान है ना, आसान, बस खाली हमको एरिया ऑफ सर्कल याद रखना है, एरिया सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 करेंगे तो एरिया ऑफ क्या निकल जाएगा हमारा सेक्टर निकल जाएगा, तो दिस इज योर माइनर सेक्टर। इसी तरह से मुझे मेजर सेक्टर निकालना पड़ेगा ये वाला एरिया, सपोज वी हैव टू कैलकुलेट दिस एरिया, सो हाउ वी विल कैलकुलेट दिस एरिया, सो फर्स्ट वी विल डू व्हाट, वी विल फाइंड आउट द एरिया होल एरिया ऑफ दिस सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल फर्स्ट वी विल फाइंड दिस एंड देन वी विल सब्ट्रैक्ट इट बाय व्हाट फ्रॉम एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अगर मैं पूरे सर्कल का एरिया में अगर एरिया ऑफ सेक्टर जो है माइनर सेक्टर ये मैं माइनस कर दूं तो हमारा ये मेजर सेक्टर नहीं निकल जाएगा, तो ये हो गया हमारा, तो इसीलिए देखो मेजर सेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, तो मेजर सेक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा कि एरिया ऑफ सर्कल, एरिया सर्कल होता है कि पाई आर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ सर्कल हो गया पाई आर स्क्वायर, अब माइनस कर देंगे हम लोग एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर होता है हमारा यही यही होता है ना, अभी तो निकाला था हम लोगों ने पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर तो पाई ना आर स्क्वायर थीटा बाय 360। चलिए तो ये आ गया हमारा क्या एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो यही बात मैंने यहाँ लिख दिया होगा, ये देखो देखो माइनर सेक्टर का जो है एरिया हमारा ओ एस बी ओ ए सी बी ओ क्यों लिखा, देखो जहां से ये सेंटर हमारा ओ है यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहीं पे खत्म करेंगे, ओ ए सी बी ओ पूरा क्लोज बनाएंगे, तो इसका एरिया माइनर सेक्टर हमारा ये है, तो ओ ए सी बी ओ पूरा क्लोज जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे खत्म करेंगे, तो क्लोज बन गया हमारा, तो ये हो गया हमारा माइनर सेक्टर। यही बात मैंने यहाँ लिखा है कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ओ ए सी बी ओ इस गल हो गया हमारा क्या कि एरिया ऑफ सर्कल यानी कि पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, ये हो गया। उसी तरह से मेजर सेक्टर के लिए मैंने बताया आपको कि पूरे सर्कल का एरिया निकालेंगे, तो पाई आर स्क्वायर दिस इज योर पाई पाई आर स्क्वायर पर सर्कल का एरिया माइनस छोटा सेक्टर का ही है, सेक्टर का एरिया हमारा ये था पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, उसमें माइनस कर देंगे तो हमारा मेजर सेक्टर का निकल जाएगा। चलिए ये दो काम तो हो गया। आइए अब नेक्स्ट इसके बाद आता है जो हम लोगों ने पढ़ा था सेगमेंट, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, इन दोनों के बारे में जानेंगे। आइए तो माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, तो मैं सेक्टर का पहले एरिया माइनस कर देता हूँ हटा देता हूँ। चलिए तो मैन अब जो है बात कर रहे हैं हम लोग इसके बारे में कि सेगमेंट एरिया ऑफ सेगमेंट माइनर सेगमेंट, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है वो जान लो। सेगमेंट तो पहले मैंने बताया था कि सेगमेंट क्या होता है, जब इस सर्कल को ये जो सर्कल है इसके ये जो आर्क है हमारा ए और ये बी रहा हमारा ये आर्क, इसको कोर्ड ज्वाइन करता है, तो दिस इज योर माइनर सेगमेंट, तो हमें यही एरिया निकालना है। ये एरिया कैसे निकालेंगे, तो देखो ये रहा हमारा सेंटर, तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ये रहा ओ, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि पूरा सेक्टर का माइनर सेक्टर का एरिया निकालेंगे, माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए माइनर सेक्टर का एरिया निकालेंगे। तो माइनर सेक्टर का एरिया क्या होता है तुम खुद सोचो, अभी मैंने बताया था कि पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 है ना, तो ये वाला एंगल जो होगा थीटा, तो ये थीटा बाय 360, तो ये हमारा निकल गया पूरा सेक्टर का एरिया, यानी कि अभी पूरा निकला है। इसमें जो ये ट्रायंगल बन रहा है ना ओ ए बी, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये वाला एरिया अगर मैं माइनस कर दूं तो हमारा सेगमेंट का एरिया हो जाएगा। फिर से समझो समझना कि अगर ये हमारा सर्कल है दिस इज योर सेगमेंट, अगर मुझे ये एरिया निकालने के लिए कहा गया है तो पहले हम लोग सेक्टर का एरिया निकालेंगे, अगर ये ओ है सेंटर तो हम लोग प्लस ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा एरिया निकालेंगे, ये पूरा एरिया निकालने के बाद ट्रायंगल का एरिया को माइनस कर देंगे, ये कर दिया माइनस, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बचेगा सेगमेंट।
तो सेगमेंट का जो है एरिया निकल जाएगा। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इस ट्रायंगल का एरिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हमें मालूम है कि हाफ इनटू बेस इनटू हाइट होता है। तो यहाँ पर आपको ना ही तो बेस दिया रहेगा ना ही हाइट दिया रहेगा, आपको रेडियस मालूम होगा, इससे क्या कर लोगे, वो फॉर्मूला तो लगा नहीं पाओगे। तो एक फॉर्मूला और होता है जो कि इंपॉर्टेंट, नहायत ही इंपॉर्टेंट है, वो यूज होगा यहाँ पे। ये अब आपके लिए नया होगा, शायद आप पहली बार पढ़े होंगे अभी। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को। तो माइनस कर रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है इसका फॉर्मूला होता है हमारा कि हाफ इंटू रेडियस का स्क्वायर, जो रेडियस है ना, इस रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस का स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब ये साइन थीटा कैसे होगा, तो ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री में आपने थीटा का जो हमें साइन 60 का वैल्यू, साइन 90 का वैल्यू, ये सब निकालने के लिए आता है। तो यहाँ पर थीटा के जगह पर अगर 60 रहा तो साइन 60 डालेंगे, और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। तो यहाँ पर √3/2 डाल देंगे और स्क्वायर हमको मालूम ही होगा, आर गिवन होगा, तो ये एरिया निकल जाएगा। तो ये पूरा सेक्टर में आपको जो माइनस सेक्टर है, माइनस सेक्टर में हम लोग जो है ये वाला एरिया, ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा ये निकल जाएगा। तो ये हो गया डन। इसके बाद जो है हमारा आते हैं हम लोग क्या, मेजर सेक्टर, बस ये लास्ट है, उसके बाद हटाएंगे ये और दो, बस ये दो है, उसके क्लोज कर देंगे इसको। आइए उसके क्या बोला कि हमारा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट का कैसे निकालेंगे। तो मेजर सेगमेंट निकालने के लिए तुम खुश सोचो कि हमको ये वाला एरिया निकल गया है, ये एरिया हमारा निकल चुका है। अब मेजर सेगमेंट क्या होगा हमारा, अब मेजर सेगमेंट होगा ये वाला पोर्शन, दिस पोर्शन इज कॉल्ड योर मेजर सेगमेंट, ये वाला। अब मुझे ये निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो पूरे सर्कल का एरिया में, पूरा सर्कल का एरिया में ये वाला एरिया माइनस कर देंगे। तो पूरा सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ये हो गया पूरा सर्कल का एरिया। अब माइनस कर देंगे हम लोग इस सेगमेंट का एरिया, और सेगमेंट का एरिया अभी हम लोगों ने निकाला, यही एरिया तो था हमारा सेगमेंट का एरिया, माइनस सेगमेंट का, बस उसको माइनस कर दो। तो माइनस कर दिया ये वाला, तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिखना, क्योंकि अंदर में माइनस है और बाहर भी माइनस है, तो ये जब भी बाहर माइनस होगा तो अगला टर्म को ब्रैकेट के अंदर रखना, तो गलती हो जाएगा। तो चलो ये हो गया हमारा पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 ना माइनस हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये हो गया हमारा मेजर सेगमेंट का, ये जो मेजर सेगमेंट है, मेजर सेगमेंट ये पूरा बड़ा वाला पोर्शन था, इसका एरिया, यानी कि ये पूरा एरिया निकालने का फॉर्मूला हो गया हमारा। तो ये निकल गया हमारा, क्यों, पूरे सर्कल के एरिया में माइनस सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा मेजर सेगमेंट निकल जाएगा, डन। ये लास्ट है हमारा कि पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, तो सेक्टर का पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, तो ईजी है। तो ये देखो, ये है हमारा सेक्टर, ये है ना सेक्टर, इसका पेरीमीटर निकालना, पेरीमीटर का मतलब पूरा लेंथ, ये पूरा लेंथ निकालना है। तो तुम खुद सोचो कि ए बी है हमारा माइनर आर्क, तो आर्क का लेंथ निकालेंगे, आर्क लेंथ क्या होता है हमारा, चलिए ये तो हो गया डन, यही बात मैंने यहां लिख रखा है। ये तो आपका माइनर सेगमेंट हो गया, ये मेजर सेगमेंट हो गया जो कि मैंने यहां लिख दिया, ठीक है। अब जो है इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर निकालने के लिए, यानी कि ये पूरा लेंथ हमें निकालना है। तो पहले हम लोग आर्क लेंथ निकालेंगे, आर्क लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है हमारा क्या, कि पाई आर, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर। देखो आर्क लेंथ निकाल लो, मैं यहाँ पर निकाल दिखा रहा हूँ, तो 2πr, ये हो गया हमारा 2πr थीटा बाय 360, थीटा बाय 360, ये हो गया मेरा क्या, आर्क लेंथ, ये आर्क लेंथ निकल गया। उसमें हम लोग और क्या जोड़ेंगे, प्लस ये चीज जुड़ रहा है, एक ये रेडियस और एक ये रेडियस, दो बार रेडियस जुड़ रहा है। आर्क लेंथ यानी कि ए बी का लेंथ निकालने के लिए ये हो गया हमारा। उसमें अब दो चीज क्या जुट रहा है, तो एक ए बी ये लेंथ जुटेगा, और एक सॉरी ओ ए और ओ बी, ये दो लेंथ जुटेगा, ये दोनों क्या है हमारा रेडियस है, इसको जोड़ेंगे, तो रेडियस रेडियस प्लस रेडियस, तो 2 रेडियस यानी कि 2r, तो यही हमारा फॉर्मूला होगा। देखो यहाँ पे लिख दिया ना मैंने कि 2r प्लस 2 पाई आर थीटा बाय 360, तो ये हो गया हमारा ये वाला लेंथ, यानी कि ओ ए सी बी ओ, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ है ये लेंथ हमारा। तो ये बात हमें लिख दिया मैंने ओ ए सी बी ओ, ये लेंथ निकालने के लिए, अगर सेक्टर का लेंथ निकालने के लिए कहा जाए तो हम लोग आर्क लेंथ में दोनों रेडियस का लेंथ जोड़ देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा कि पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। तो चलिए अब जो है इसके बाद दो तीन चीज़ें और हैं, बेसिक चीज़ें जिनका जानना हमें बहुत जरूरी है, तो वो हम लोग करेंगे, और उसके बाद जो हमारा बेसिक जो इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसके बारे में जान लो, ये बहुत ही अच्छा है और ये इसका यूजेस आपको क्वेश्चंस में होंगे, इसीलिए जो है मैं आपको अभी जो बताने वाला हूँ, देख लो क्या करना है। तो इसमें पहले हमें क्या बोल रहा है कि रोटेशन ऑफ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक, जब क्लॉक घड़ी देखा हो आपने, घड़ी में दो तरह का काटा होता है, एक बड़ा वाला काटा मिनट का, मिनट हैंड, एक छोटा वाला काटा, इसको आवर का हैंड बोलते हैं। तो जब ये घड़ी है आपका, समझो इस बात को और देखना कि घड़ी में एक तो हो गया हमारा बड़ा वाला हैंड, ये बिगर हैंड, यहाँ पे बड़ा है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, ठीक है, एंड बारह। तो देखो एक तो हमारा हो गया बिगर हैंड, और एक होता है हमारा आवर का हैंड जो होता है, उसमें बड़ा होता है, छोटा होता है। अब देखो तो और देखना और समझना कि जो बड़ा वाला जो कांटा है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, क्योंकि वो मिनट हैंड है, तो ये पूरा ये कंप्लीट एक रोटेशन लेगा, तो एक कंप्लीट रोटेशन का मतलब 360 डिग्री बनाएगा, एक कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री बनाता है। तो यही बात मैंने यहाँ लिखा भी है कि एंगल फॉर्म्ड इन 60 मिनट्स बाय मिनट हैंड,
60 मिनट में मिनट हैंड के थ्रू जो है जो एंगल बनेगा तो इज इक्वल टू 360 डिग्री। कितना डिग्री बनेगा? 360 डिग्री बनेगा। अब तुम खुद सोचो कि 60 मिनट में 360 डिग्री बन रहा है, 360 डिग्री बन रहा है, तो 1 मिनट में कितना बनेगा? तो 1 मिनट में हो जाएगा हमारा 360 अपॉन 60, तो 600 विल गेट कैंसिल एंड 6 is 36। सो 1 मिनट में कितना डिग्री बनेगा? 6 डिग्री बनेगा 1 मिनट में। तो ये आप बिल्कुल बैठा लो जहन में इसको अच्छी तरीके से कि 1 मिनट में 60 डिग्री एंगल बनता है 1 मिनट में। तो अगर आपको 10 मिनट में रहा 1 मिनट में सॉरी 6 डिग्री एंगल बनेगा, तो जब 1 मिनट में 6 डिग्री है 10 मिनट में हो जाएगा 60 डिग्री, 20 मिनट में तो उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 डिग्री। तो इस तरह से हमें, तो इसमें होगा क्या ना कि आपका क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा कि मिनट का हैंड यहाँ पर है और घूमते घूमते यहाँ आ गया, तो बताइए कि यहाँ से यहाँ आने में जो एंगल फॉर्म कर रहा है, अब ये मिनट हैंड यहाँ आ गया, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आने में जो ये एरिया कवर किया है, ये कितना एरिया कवर किया है, दिस एरिया यू हैव टू कैलकुलेट। तो ये एरिया कैसे निकालोगे? तो ये एरिया हमारा वही एरिया ऑफ सेक्टर ही हो गया। तो ये एंगल हमें मालूम चल जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक 10 मिनट, 10 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा ये आपका ये 60 हो जाएगा, जब 10 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री है 10 मिनट में हो जाएगा, तो ये एंगल आपका 60 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल हमारा 60 डिग्री आ गया। रेडियस मिनट हैंड का लेंथ आपको दे देगा, जो मिनट हैंड का लेंथ होगा यही रेडियस हो जाएगा, तो रेडियस आपको मालूम हो गया, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे हम लोग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो ये हो गया मिनट हैंड के बारे में। अब आवर वाले हैंड के बारे में समझो, जो आवर का हैंड है तो ये जब कंप्लीट एक रोटेशन लेगा तो आपको 60 डिग्री बनाएगा, और कंप्लीट रोटेशन कितने घंटे मिलेगा? 12 घंटे मिलेगा। तो यही बात मैंने यहां लिख दिया है कि एन एंगल फॉर्म्ड इन 12 आवर्स बाय आवर हैंड्स, आवर के जो हैंड है उसके जो 12 घंटे में जो एंगल्स बनाएगा वो 360 डिग्री बनाएगा। तो एक घंटा में कितना बनाएगा? सोचो तो कि 12 घंटे में आवर्स में कितना बना रहा है? 360 डिग्री बना रहा है। तो एक घंटे में कितना बनाएगा? तो 360 अपॉन 12 करेंगे तो 36 डिग्री बनाएगा। तो एक घंटे में 30 डिग्री एंगल बनेगा, एक घंटे में। बात समझ में आ गई? तो एक घंटे में 30 डिग्री जो है हमारा एंगल फॉर्म्ड होगा। तो आइए, ये दो बात तो थी आपको क्लॉक को लेकर, ये क्वेश्चन रहेगा इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसके बाद इसमें जो आपका आता है रोटेटिंग व्हील्स के पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, जो व्हील्स हैं चक्का गाड़ी का, वो जब एक कंप्लीट रोटेशन लेगा तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो डिस्टेंस कवर बाय वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ अ व्हील इज इक्वल टू इट्स सर्कमफेरेंस, जो उसका सर्कमफेरेंस होगा। नहीं समझ में आ रही बात? देखो, ये अगर मान लो कि चक्का है, दिस इज योर व्हील, तो ये व्हील क्या है कि ये यहाँ से घूमता हुआ ये कंप्लीट एक रोटेशन लिया, तो ये कितना डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक जो गया ये डिस्टेंस कितना डिस्टेंस कवर किया? तो जो इसका सर्कमफेरेंस होगा, जो इसका पेरिमीटर होगा, उसको सर्कमफेरेंस बोलते हैं, जो इसका सर्कमफेरेंस होगा वही वो कवर करेगा। तो यही बात हमें इसमें कहा गया है। तो ये बात बिल्कुल जहन में बैठा लो कि डिस्टेंस कवर बाय अ व्हील, अब ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आपको व्हील का जो है रेडियस दे देगा, अब बोलेगा कि जो व्हील है यहाँ से पूर्णिया से दिल्ली गई, पूर्णिया से कहाँ गई? दिल्ली गई है, जिसका डिस्टेंस है 1200 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर वो जो है ट्रेवल की है, तो बताइए कि वो व्हील कितना बार मूव किया होगा। अच्छा, कितना बार को छोड़ दो, अगर आपको ऐसा बोल दिया कि यहाँ से पूर्णिया से वो दिल्ली गई है और वो व्हील जो है मूव किया है, मूव किया कितना बार मूव किया, तो वो बोल देगा कि आपको 1 लाख, सपोज 1 लाख टाइम्स जो है वो मूव किया, 10 लाख में करता हूँ, तो 10 लाख टाइम्स जो है वो मूव किया है चक्का जो है आपका व्हील, वो 1,000,000 बार घुमा है, तो बताइए कि कितना डिस्टेंस हुआ यहाँ से, वो तो कितना डिस्टेंस कवर किया, तो उस व्हील का आपको रेडियस दे देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तो उसका रेडियस जब आपको दे देगा, सपोज बोल दिया कि व्हील का रेडियस है आपको 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये व्हील का रेडियस दे दिया आपको। तो अब क्या करेंगे, इससे हम लोग क्या करेंगे कि पहले सर्कमफेरेंस निकालेंगे, और सर्कमफेरेंस जो हमारा आएगा तो वो 1 रोटेशन का होगा, और टोटल इतना बार रोटेट किया है 10 लाख टाइम्स रोटेट किया, तो उसको फिर 10 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना सेंटीमीटर में आ जाएगा, फिर सेंटीमीटर को आप किलोमीटर में चेंज कर देना या मीटर में चेंज कर लेना, तो आपका हो जाएगा डन। तो चलिए, ये था हमारा व्हील के रोटेशन के बारे में। अब अगर कभी कभी नंबर ऑफ रोटेशन भी आता है, तो नंबर ऑफ रोटेशन निकालेंगे क्या होगा, इसे आपको बोल देगा कि पूर्णिया से दिल्ली गया, उसका डिस्टेंस है हमारा 1200 किलोमीटर, तो बताइए कि वो व्हील कितना बार मूव किया होगा। अगर व्हील का रेडियस कुछ दे दिया है, 30 दे दिया है, तो बताइए कि वो व्हील कितना बार मूव किया होगा। अब हमको ये निकालने के लिए कहा गया कि कितना बार मूव करेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे कि टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेके वहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, तो डिस्टेंस को या तो आपको सेंटीमीटर में रखना पड़ेगा, तो डिस्टेंस निकाल लो सेंटीमीटर में, और सर्कमफेरेंस ऑफ जो व्हील है वो निकाल लो, और दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो यही बात मैंने लिखा, डिस्टेंस कवर्ड बाय क्या हो जाएगा हमारा, सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील। तो बस ये कर दोगे और आपका जो है
आंसर आ जाएगा, नंबर ऑफ रोटेशंस हमारा निकल जाएगा कि कितना नंबर ऑफ रोटेशंस वो लिया है। इसके बाद इसमें एक और टॉपिक आता है, वो आता है टचिंग द सर्कल। जब सर्कल टच करता है तो उसके सेंटर का हमें निकालने के लिए बोलता है। तो बोलता है कि देखो इसमें इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है, मैं बता दूँ आपको कि जब दो सर्कल आपस में टच करेगा तो दोनों का जो सेंटर का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे देखो एक सर्कल आपको दे दिया ये सर्कल और दूसरा सर्कल हमें दे दिया ये, बोल रहा है कि दोनों सर्कल आपस में टच कर रहा है मगर अंदर से नहीं बाहर से टच कर रहा है। और ये जो हमारा रेडियस है ये रेडियस आर है एंड दिस इज द रेडियस स्मॉल आर, ये स्मॉल आर है। तो बोलेगा कि बताइए कि ओ से ओ डैश तक का डिस्टेंस क्या होगा। तो जब हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे ओ से ओ डैश इज इक्वल टू, तो ओ ओ डैश इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक का आर बड़ा वाला आर प्लस ये यहाँ से लेके यहाँ तक आर छोटा वाला आर, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा ये पूरा डिस्टेंस निकल जाएगा। दूसरा इसमें टचिंग जो सर्कल होता है हमारा वो ये होता है कि एक बड़ा वाला सर्कल ये है हमारा और उसमें एक छोटा सर्कल ये इस तरह से टच कर रहा है, देखना इस तरह से टच कर रहा है, इसका सेंटर यहाँ है, इसका सेंटर यहाँ है, ठीक है। अब बोलेगा कि ये हो गया हमारा O और ये हो गया हमारा O डैश। अब बोलेगा कि ये डिस्टेंस निकालिए, ये डिस्टेंस तो कैसे निकालेंगे, इजी है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये पूरा डिस्टेंस है कि पूरा जो हमको जो रेडियस मालूम है पूरा रेडियस हो गया हमारा का यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रेडियस है ये बिगर आर है, तो पूरा हो गया बिगर आर और बिगर आर में स्मॉलर आर को माइनस कर देंगे तो हमारा ये निकल जाएगा। तो इसमें जो हम लोग ओ ओ डैश निकालेंगे डियर स्टूडेंट्स तो क्या करेंगे कि बड़ा वाला आर में छोटा वाला आर को माइनस कर देंगे, तो इसमें प्लस कर रहे थे इसमें माइनस कर देंगे और हमारा ओ से ओ डैश का जो डिस्टेंस ये निकल जाएगा। तो टोटल जितना भी बेसिक्स था आपका सर्कल चैप्टर को लेकर के वो सारा बेसिक्स मैंने आपको कवर करवा दिया है, बता दिया है, हर एक चीज़ कर दिया है। अब सर्कल में जो कुछ बेसिक्स और है वो सर्कल का प्रॉपर्टीज़ है, तो प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पर यूज़ नहीं होने वाले, तो मैं सर्कल का एक और वीडियोस बनाऊंगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सर्कल बोल करके मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो वो वीडियो देख लेना। तो जितना भी प्रॉपर्टीज़ है चाहे वो 9th क्लास का हो या चाहे 10th क्लास को, सारे प्रॉपर्टीज़ को मैं इंक्लूड करके मैं आपको पूरा का पूरा एक प्रॉपर्टीज़ का वीडियो बना के दूंगा। अगर आप देख लोगे तो आपको सर्कल से रिलेटेड जितना भी कन्फ्यूजन है जितना भी डाउट छोटे से लेकर बड़े तक हर एक चीज़ जो है क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब होगी हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में जहां के हम लोग ये जो इसका जो इस चैप्टर का जो हम लोग जो है न्यूमेरिकल्स वो न्यूमेरिकल्स करेंगे, सेक्टर एंड सेगमेंट का जो क्वेश्चंस है वो लगाएंगे क्लास 10 का। क्लास 9 वाले आपका भी इंट्रोडक्शन हो गया है कंप्लीट, तो होगी हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें, जय हिंद जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब खुद भी करें, अपने दोस्तों को भी कहें, सबको शेयर करें और सबको बोलें कि सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय बाय।